है, तो जब हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या यूनिट बना रहे हैं, तो एक यूनिट की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, हम ये देखेंगे कि एक यूनिट को बनाने में मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल लगता है वो कितना इस्तेमाल किया जाएगा। जितना भी रॉ मटेरियल यूज होगा एक यूनिट को बनाने में, वो खर्चा हम उस यूनिट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा हमने रखा डायरेक्ट लेबर, जो हम लेबर को पेमेंट करते हैं, एंड द लेबर हु इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, उसकी वेजेस या जो भी सैलरीज हैं वो भी हम यूनिट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और तीसरा जो भी डायरेक्टली एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूं कि जिस तरह लेट्स से हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का कोई ऑथर है या कोई डिजाइनर है। मिसाल हम एक टेक्सटाइल मिल है और हम एक थ्री पीस सूट बनाते हैं या एक शर्ट बनाते हैं या एक पैंट बनाते हैं या एक कोट बनाते हैं या एक कंप्लीट सूट बनाते हैं, तो हम जब ये कैलकुलेट करेंगे कि एक थ्री पीस सूट बनाने में या एक अनस्टिच्ड कुर्ता बनाने में या 1 मीटर ऑफ फैब्रिक बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आती है, तो उसमें जो कपड़ा लगेगा वो उसका रॉ मटेरियल बनेगा, जो लेबर उस पर काम करेगा या जो टेलर उस पर काम करेगा, दर्जी उस पर काम करेगा उसको स्टिच करने में या उसकी सिलाई करने में, जो भी वो डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। और यकीनन उन टेक्सटाइल मिल्स में एक डिजाइनर होता है, जो डिजाइनर बेसिकली उसका पूरा कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन उस टेक्सटाइल मिल को सेल करता है। डील अक्सर ये होती है कि टेक्सटाइल मिल जितने भी यूनिट्स बनाएगी उस हर आर्टिकल हर एक यूनिट के का एक अमाउंट उस डिजाइनर को पे किया जाएगा, उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। अब डिजाइनर को आप लेबर तो नहीं कह सकते क्योंकि डिजाइनर खुद बना तो नहीं रहा, लेकिन आइडिया डिजाइनर का है और हर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से एक्स्ट्रा रॉयल्टी हमें पे करनी पड़ेगी अपने डिजाइनर को, कॉस्ट्यूम डिजाइनर को, तो वो हमारी बनेगी डायरेक्ट कॉस्ट। इन सबको मिला के हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या फिर प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर 20,000 यूनिट्स बनाते हैं और हर यूनिट के ऊपर जो प्राइम कॉस्ट है वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए हम 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी जो कॉस्ट है 20 लाख रुपए की वो हम इन्वेंटरी की वैल्यू में रख देंगे। उस 20 लाख रुपए की कॉस्ट को हम खर्चा तब मानेंगे जब वो 20,000 यूनिट्स बिक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मंथ के इख्तिताम तक हम सिर्फ 18,000 यूनिट्स बेच सकते हैं और 2,000 यूनिट्स हमारे नहीं बिक पाते और महीना खत्म हो जाता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत रेवेन्यू क्योंकि 18,000 यूनिट्स का है तो खर्चा भी हम लेंगे 18,000 यूनिट्स का। जो 2,000 यूनिट्स अभी बिके नहीं है उनको अभी हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं मानेंगे, बल्कि उन 2,000 को हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मान लेंगे और उन 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट को हम अपना एक्सपेंस उस साल या उस महीने में जाके मानेंगे जिस महीने में वो 2,000 यूनिट्स भी बिकेंगे। देखिए, हम खर्चा मानने से इनकार कतन भी नहीं कर रहे, हम उन 2,000 यूनिट्स को बनाने में जो आने वाला मटेरियल, जो लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा हम उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे सवाल ये है। तो जवाब हम ये दे रहे हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत किसी भी एक्सपेंस को एक्सपेंस हम तब मानेंगे जब वो यूनिट्स बिकेंगे, ना कि तब जब वो यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, यहां तक हम सब बिल्कुल क्लियर थे। अब
फिरका चेंज होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी इस यूनिट की कॉस्ट में जाएगा। ये बन जाएगी फुल कॉस्ट पर यूनिट। अब होता क्या है, मिसाल हम एक यूनिट बनाते हैं जिस पे 45 रुपए का मटेरियल है, 35 रुपए की लेबर है और 20 रुपए की रॉयल्टी है। तो हमें एक यूनिट पड़ रहा है 100 रुपए का। मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपए है। अब कल हमने बात की थी कि फैक्ट्री में सिर्फ वेरिएबल अखराजात तो नहीं होते, हमने कुछ मिक्स मिसालें ली थी जिसमें सुपरवाइजर की सैलरी थी, फैक्ट्री का रेंट था, फैक्ट्री की इंश्योरेंस थी, मशीन की डेप्रिसिएशन थी, हीट एंड लाइट था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, स्टाफ के खाने पीने का खर्चा था, मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी। अब ये वो अखराजात हैं जो होते तो कारखाने के अहाते में है, होते तो उस फैक्ट्री की चार दीवारी के हैं और कंपनी खर्चा करती भी प्रोडक्शन की वजह से है, लेकिन वो खर्चा है फिक्स्ड। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि भाई फिक्स्ड है, इस पे फोकस ना करो, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, इस पे फोकस करो। तो इसने फोकस किस पे किया कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन है। लेट्स अज्यूम अगर हर यूनिट के ऊपर हम खर्चा चार्ज करते हैं 30 रुपए, कैसे करेंगे इस पे हम बात करेंगे। तो हमारा एक यूनिट बन जाएगा 130 रुपए का। लेट्स अज्यूम हम अंदाजा लगाते हैं कि एक महीने में हमारी फैक्ट्री के अंदर जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो है 6 लाख रुपए। किस चीज के, वही एग्जांपल्स, सुपरवाइजर की सैलरी है, फैक्ट्री का रेंट है, मशीन की डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, कैंटीन का खर्चा है वगैरह। जो भी हमारे अखराजात फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं लेकिन फिक्स्ड हैं, और हमारा अंदाजा है कि हम एक महीने में 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो हर यूनिट के ऊपर खर्चा आ गया 30 रुपए। वो 30 रुपए भी हमने यूनिट की वैल्यू में जम कर दिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि भाई इन 6 लाख रुपए को मैं मार्च के महीने में खर्चा नहीं मानूंगा। मैं पूछता हूं कि भाई ये 6 लाख रुपए जो सैलरी है, जो इंश्योरेंस है, जो हीट एंड लाइट है, जो बिजली का बिल है, जो रेंट है, ये कौन से महीने का है? कहता है भाई है मार्च का लेकिन भरेगा मार्च नहीं। ये खर्चा मार्च में बनने वाले यूनिट्स की कॉस्ट में जज्ब किया जाएगा। तो 6 लाख रुपए को हम तकसीम करते हैं मार्च में बनने वाले 20,000 यूनिट से, और हर यूनिट की कॉस्ट में 30 रुपए का खर्चा हम एब्जॉर्ब कर देते हैं और हर एक यूनिट हमें पड़ जाता है 130 रुपए का। इस 130 रुपए में से जो यूनिट बिकेंगे, मिसाल हम ये कहते हैं कि हमने मार्च के महीने में 18,000 यूनिट्स सेल कर दिए और 2,000 यूनिट्स हम सेल नहीं कर पाए, तो ये कहता है कि टेंशन कोई नहीं है, आपने जो 18,000 यूनिट्स बेच दिए हैं उसको आप 130 से मल्टीप्लाई कर दें। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 130, तो 23,40,000 रुपए को आप मान लें अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड, और बाकी 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 130 रुपए, यानी 260,000 रुपए है, इसको आप मान ले अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस 260,000 रुपए को आप इंकर तो कर चुके हैं, लेकिन इसको आप खर्चा नहीं मान सकते। इसको खर्चा आप तब मानेंगे जब ये 2000 यूनिट्स भी बिक जाएंगे। बात मार्जिनल कॉस्टिंग भी यही करता है, लेकिन इन दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल क्या कहता है? मार्जिनल कहता है कि आपने 18,000 यूनिट जो बेचे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपए से। जो 30 रुपए का खर्चा है वो फिक्स्ड है, वो मार्च का मार्च ही भरेगा, चाहे मार्च के महीने में कितने भी यूनिट्स बनाए जाएं, कितने भी यूनिट्स बेचे जाएं, कितने भी यूनिट्स बचाए जाएं। 6,00,000 रुपए का खर्चा मार्च भरेगा, क्योंकि वो 6,00,000 रुपए का खर्चा मार्च की वजह से आया है, मार्च में बनने वाले 20,000 यूनिट्स की वजह से नहीं आया। तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया, हम इसमें से 18,00,000 रुपए को मानेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस 6,00,000 रुपए को भी अपना इमीडिएट एक्सपेंस मान लेंगे, यानी मार्च के महीने में हम खर्चा दिखाएंगे 24,00,000 रुपए का। और आपने जो 2000 यूनिट्स नहीं बेचे हैं, हर एक यूनिट को वैल्यू किया जाएगा 100 रुपए के ऊपर, और आपके स्टॉक की वैल्यू बनेगी 2,00,000 रुपए। इस 2,00,000 रुपए को आप खर्चा तब मानेंगे जब खर्चा ये यूनिट्स बिकेंगे। देखा जाए तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 24,00,000 प्लस 2,00,000, खर्चा हुआ है 26,00,000 का। ये कॉन्सेप्ट कौन से कॉस्टिंग सिस्टम का है? इसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर इन दोनों को आपस में प्लस करें तो भी बन रहे हैं वही 26,00,000। खर्चा तो वही है, खर्चे पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चे को खर्चा मानना कब है, उस पे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो फैक्ट्री का खर्चा है। तो आप उस खर्चे को यूनिट की कॉस्ट में दबा देंगे, यूनिट बिकेगा तो खर्चा मानेंगे, नहीं बिकेगा तो एसेट मानेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जहां तक बात तुम कर रहे हो मटेरियल की, जहां तक बात तुम कर रहे हो लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंस की, वेरिएबल ओवरहेड की, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, उसको मैं कभी भी एक साल से दूसरे साल में नहीं लेके जाने दूंगा, क्योंकि इसको वो मानता है पीरियडिक कॉस्ट। पीरियडिक यानी महीने की कॉस्ट है और महीने को भराएगा। जबकि इसने कहा कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी यूनिट्स के बनने की वजह से ही आई है, तो यूनिट्स की कॉस्ट में जम करो, यूनिट बिकेगा तो खर्चा मानेंगे, नहीं बिकेगा तो नहीं खर्चा मानेंगे। अब दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ बरकरार है। खर्चा कंपनी का हुआ तो 26,00,000 है, मानता एब्जॉर्प्शन भी है, मानता मार्जिनल भी है। मार्जिनल उसको फिक्स्ड कॉस्ट को उस ही साल, उस ही महीने, उस ही क्वार्टर में पूरा का पूरा खर्चा मान लेगा, चाहे आपने कितने भी यूनिट्स बनाए हैं, कितने भी यूनिट्स बच गए हैं, कितने भी यूनिट्स आप बेच चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6,00,000 रुपए मार्च के मार्च ही भरेगा। लिहाजा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है, उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का एक एलिमेंट भी शामिल हो जाता है। यानी जब आप कह रहे हो कि आपके स्टॉक की वैल्यू 23,40,000 रुपए है, तो ये 23,40,000 पूरे के पूरे वेरिएबल नहीं है, इसमें मार्च के 6,00,000 रुपए का हिस्सा भी शामिल है। होगा ये कि जब ये 2000 यूनिट्स बनाए गए थे मार्च में, बेचे जाएंगे अप्रैल में, तो खर्चा जो मार्च का था, रेंट, मार्च की डेप्रिसिएशन, मार्च की सैलरीज, मार्च की मेंटेनेंस, मार्च की इंश्योरेंस,
भरेगा अप्रैल, वजह ये होगी कि यूनिट्स बने तो मार्च में थे लेकिन बिके अप्रैल में है। मार्जिनल कॉस्टिंग ऑन द अदर एंड कहता है कि भाई खर्चा मार्च का था, मार्च ही भरेगा, यूनिट्स कितने बनाए, यूनिट्स कितने बिक गए, कितने बच गए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन दोनों की कॉस्टिंग में डिफरेंसेस हैं, इनको हम अपने प्रॉपर लेक्चर्स में कैरी करेंगे। फिलहाल हम क्योंकि अभी भी सिलेबस का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए इस बात को समझना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंट किस तरीके से है और इसमें हम किन चीजों के ऊपर ज्यादा बहस करेंगे। जिस तरह हम बात करते आए हैं कि वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहस इस बात की है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहस इस बात की है कि कौन से खर्चे को यूनिट की कॉस्ट में डाला जाएगा और कौन से खर्चे को यूनिट की कॉस्ट में नहीं डाला जाएगा। इसलिए हम इसका पूरा नाम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब कि कौन सी कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट में जाएगी और कौन सी कॉस्ट सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगी। यानी अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें तो कौन कौन से खर्चे कैपिटलाइज किए जाएंगे और कौन कौन से खर्चे एक्सपेंस आउट किए जाएंगे, ये हमारे सर का दर्द है। ये हो गया हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में चीजें कवर की थी वो एरियाज। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप फौरन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर फर्दर अपने सिलेबस का ओवरव्यू स्टार्ट करें। यस विदाद, विदाद अब अपना माइक अनम्यूट। सर इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश बेस अकाउंटिंग और अक्रूअल बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। सर अक्रूअल बेस में जब रेंट अक्रूड हो जाता है तभी हम उसको अपनी एसओसीआई में प्रेजेंट करते हैं, मगर कैश बेस में शायद सर जब तक पे नहीं होता तब तक हम उसको हम अपनी एसओसीआई में प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं इसको खर्चा नहीं मान रहा। देखो मेरे फैक्ट्री के अंदर फिक्स्ड खर्चे कौन कौन से हो रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, मिसाल हमारी जो फैक्ट्री है वो अपनी नहीं है, किराए पे है, तो उस कारखाने का जो हम रेंट पे करते हैं, इसी तरीके से लेट्स से हमने अपनी पूरी फैक्ट्री को इंश्योर करवाया हुआ है तो उसकी हम हर महीने की इंश्योरेंस कॉस्ट बियर करते हैं, हमने अपने स्टाफ की सैलरीज पे करते हैं, हम अपनी मशीन्स को डेप्रिशिएट करते हैं, हम अपनी फैक्ट्री का बिजली का बिल पे करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये खर्चे चाहे आप पे कर चुके हैं या आपने पे नहीं किया, दीज आर एक्सपेंसेस, खर्चे तो हैं। ये आपका विदाद हो गया अक्रूअल कॉन्सेप्ट। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? That expenses and their benefits should be matched with each other in the same accounting period. के जिस साल में benefit मिलेगा, खर्चे को खर्चा भी उस ही साल में दिखाया जाएगा। तो ये cash concept और के को favor और खिलाफ वर्जी की बात नहीं कर रहा, इनको हम खर्चा मान रहे हैं। लेकिन अब हमारा अगला सवाल आ रहा है कि कौन से पीरियड में खर्चा माने। अच्छा, अब ये तमाम तर इखराजात लेट्स अज्यूम मार्च के हैं, और फॉर एन इंस्टेंस हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इनमें से कोई भी खर्चा पे किया ही नहीं है, हमने
ना फैक्ट्री का किराया पे किया है, ना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, ना स्टाफ को उनकी सैलरीज दी हैं, ना बिजली का बिल अदा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनको खर्चा नहीं मान रहे, मैं मान रहा हूं इनको खर्चा। मैं अपने अकाउंट्स में इनको खर्चा दिखाऊंगा, चाहे मैंने पेमेंट कर दी हो या मैंने पेमेंट ना की हो। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात आ रही है, आप लोग मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करिएगा प्लीज, मैसेजेस में या माइक्स ऑन करके। एक सादा सी एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी कंपनी ने 1000 कुर्सियां खरीदी हैं, हर एक कुर्सी हमने खरीदी है 1000 रुपए में, ठीक है। एग्जांपल क्या चल रही है कि हमने लेट्स से मार्च के महीने में परचेज की हैं 1000 कुर्सियां और हर एक चेयर हमें पड़ी है 1000 रुपए की, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। और मैं आपको यह कहता हूं कि कंपनी ने 900 चेयर्स बेच दी 16 रुपए में, 16 लाख रुपए में। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस साल कंपनी को या मार्च के महीने में कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ होगा? आई एम आस्किंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ होगा? सर 7 लाख। 7 लाख? यस सर। ओके, कोई और? ओके, अगर मैं ये करूं कि मेरा रेवेन्यू है 16 लाख और मेरी कॉस्ट है, परचेजेस है 10 लाख, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं या ऐसा कहना गलत है? सर ऐसा कहना गलत तो यस जुनैद, ऐसा कहना गलत है। क्यों कहना गलत है? सर क्योंकि सर अभी 100 चेयर बिकी नहीं है तो उनकी कॉस्ट को हम कॉस्ट नहीं मान सकते जब वो जाएंगे। यस परफेक्ट हमास, यू आर आल्सो करेक्ट। हम इस में से 10 लाख रुपए को अपना खर्चा नहीं मान सकते। हम वर्ड क्या यूज करते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। यानी हम सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट को अपनी कॉस्ट दिखाएंगे जो गुड्स बिक चुके हैं। तो ग्रामेटिकली ये वर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड को हम अपना खर्चा नहीं मानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। यूनिट्स बिके कितने हैं? 900। तो हर कुर्सी अगर 1000 रुपए की है तो 900 कुर्सियों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9 लाख रुपए। तो हम 16 लाख में से टेक्निकली 10 लाख रुपए माइनस नहीं कर सकते बल्कि 9 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं और प्रॉफिट दिखाएंगे 7 लाख रुपए का। वेट अ सेकेंड, आपका क्या मकसद है? आपने सप्लायर को 100 कुर्सियों की पेमेंट नहीं की है क्या? मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेमेंट में सप्लायर को 1000 की 1000 कुर्सियों की कर चुका हूं, पेमेंट मैंने सप्लायर को 10 के 10 लाख रुपए कर चुका हूं, पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, पेमेंट मैंने दी है। मैं अगर पेमेंट भी कर चुका हूं और एक्रुअल कॉन्सेप्ट का मानने वाला हूं तो भाई आपका तो खर्चा 10 लाख रुपए है ना। लेकिन यहां पे बीच में आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने 1000 में से कितनी कुर्सियों का बेनिफिट लिया है। आप कहते हैं सर बेनिफिट तो हमने 900 कुर्सियों का लिया है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है तो जानी जब तुमने बेनिफिट लिया है 900 कुर्सियों का तो खर्चा भी तो 900 कुर्सियों का दिखाओ ना। दैट इज लाइक विद लाइक। हम 900 कुर्सियों के रेवेन्यू को 900 कुर्सियों की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, हम बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक है। मैं कहता हूं एक सेकंड रुकना, जो 100 कुर्सियों के मैं 1 लाख रुपए अपने सप्लायर को दे चुका हूं उसको खर्चा नहीं मानूंगा क्या?
आप कहेंगे सर खर्चा हुआ है, अक्रूअल बेसिस पे आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन उस लाख रुपए को आप अपनी एसेट में शो करेंगे एस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी ये मेरा एसेट है, मैं कहता हूं यार खर्चा तो है ना, सप्लायर को मैं पैसे दे चुका हूं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई मैं मना नहीं कर रहा, ये खर्चा है, लेकिन इस खर्चे को खर्चा मार्च के महीने में नहीं माना जा सकता। मैं कहता हूं अच्छा तो फिर इसको खर्चा कब मानूंगा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जब ये सौ कुर्सियां बिक जाएंगी तब उस लाख रुपए को आप अपना खर्चा मान सकते हो। यहां पे मैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन शो कर रहा हूं, मैं परचेजेस भी 10 लाख रुपए की दिखा रहा हूं, मैं पेएबल या कैश भी 10 लाख से क्रेडिट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जितने पैसे दिए हैं मैं सिर्फ उसको अपनी अपनी कॉस्ट मान रहा हूं, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने सप्लायर को एक टका भी नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, तो भी मैं 10 की 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन बतौर बकौल मैचिंग कॉन्सेप्ट के खर्चे को खर्चा किस महीने में माना जाएगा, किस क्वार्टर में माना जाएगा या किस साल में माना जाएगा वो डिपेंड करता है। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम खर्चा इसको उस महीने में मानेंगे जिस महीने में वो 100 कुर्सियां भी बिक जाएंगी। सेम हम यहां पे आ रहे हैं कि जो हमने खर्चा किया है 6 लाख रुपए का जो फिक्स्ड कॉस्ट की मद में है, इसमें मुतादित खर्चे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कॉट किए हैं, फैक्ट्री का रेंट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, सैलरीज हैं, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वगैरह वगैरह। इनको मैं अपना खर्चा नहीं मान रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको ट्रांजेक्शन मानता हूं, मैं इनको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा भी। हड्डा सिर्फ इस बात पे है कि विच पीरियड, खर्चा कौन से महीने में या कौन से साल में माना जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि पहले ये खर्चा यूनिट की कॉस्ट में फंसाया जाएगा, यूनिट की कॉस्ट को प्रॉफिट और लॉस में तब फेंका जाएगा जब वो यूनिट बिकेगा। तो साइकिल कुछ यूं चल रही है कि आपने कोई भी कॉस्ट इंकर की, उसको आपने डाल दिया यूनिट की कॉस्ट में, अगर वो यूनिट बिका तो आपने इसको खर्चा माना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर कि वो यूनिट ना बिका तो आपने उसको रखा इन्वेंटरी में। खर्चा मान रहे हैं लेकिन वो खर्चा पहले जा रहा है यूनिट की कॉस्ट में, फिर जा रहा है प्रॉफिट लॉस में, लेकिन प्रॉफिट लॉस में भेजा तब जाएगा जब वो यूनिट बिकेगा। तो इन दोनों के दरमियान सिर्फ फर्क यह है कि एब्जॉर्प्शन कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट भी फंसेगी और फिक्स्ड कॉस्ट भी फंसेगी, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही इस यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट की कॉस्ट के रास्ते से नहीं आएगी, वो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में आएगी, यूनिट की कॉस्ट से होती हुई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगी, वेरिएबल कॉस्ट आएगी। जब कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक जीरो होगा ना, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग एक ही बात कर रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट बराबर होगा, लेकिन उन महीनों में या उन सालों में या सिंपली हम कहते हैं उन पीरियड्स में जिन पीरियड्स में क्लोजिंग इन्वेंटरी का डिफरेंस आएगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी बचेगी, उन महीनों में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग प्रॉफिट दिखाएगा और मार्जिनल कॉस्टिंग अलग प्रॉफिट दिखाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस विदाउट। हम इसको ऐसा नहीं है कि कैश कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हम बिल्कुल अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट की कॉस्ट में फंसेगी ही फंसेगी, फिक्स्ड कॉस्ट भी यूनिट की कॉस्ट में फंसेगी, यूनिट बिकेगा तो उस साल में उस महीने में खर्चा माना जाएगा, यूनिट नहीं बिकेगा तो उस महीने में खर्चा नहीं माना जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि वेरिएबल के हद तक आपकी बात ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट
फिक्स्ड है, वो उस महीने की वजह से आई है, वो उस महीने को चार्ज की जाएगी, चाहे कितने भी यूनिट्स बनाते हैं, कितने भी बचाते हैं, कितने भी बेचते हैं। Okay, with that, you are clear over this. अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपने सिलेबस के बाकी एरियाज डिस्कस करते हैं। हमने प्राइमरीली ये एरिया डिस्कस कर लिया, देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी पता है और कौन कौन सी चीजें आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी। सिलेबस में पहला एरिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन से हमारा मकसद है फीफो एवको वाली चीजें हम पढ़ेंगे, और तीसरा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट आएगा कि आप किसी भी इन्वेंट्री को लोअर पे शो करेंगे, उसकी कॉस्ट या एनआरवी, उसका एक छोटा सा एरिया हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हरगिज भी मकसद नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, हम बाकायदा उसको तफसील में अपने प्रॉपर लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। दूसरा एरिया आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, इसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या चीज कवर की जाएगी। इन्वेंट्री हम कहते हैं कि ये हमारा करंट एसेट है ना, आप जब सप्लायर से इन्वेंट्री खरीदते हैं तो सप्लायर आपसे पैसे कब डिमांड करेगा, जब आप उससे सामान खरीदोगे या जब आप सामान बेचोगे? सप्लायर आपके बेचने से बंधा हुआ नहीं है, सप्लायर ये कहेगा कि भाई आपने मुझसे जनवरी में माल मंगवाया था, मुझे जनवरी में या एक महीने के बाद या 45 दिन बाद, जो भी सप्लायर हमें टाइम अलाउ करता है, कहता है कि भाई मुझे मेरे पैसे दो, हम कहते हैं दे देंगे पैसे। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आप जो पैसे करंट एसेट में लगा रहे हो वो पैसे आप लाए कहां से हो? बिजनेस के पास पैसे आते कहां से हैं? एनीवन मैसेज मी, बिजनेस के पास पैसे कहां से आते हैं? ओके, नाइस, कस्टमर देता है, लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी वेल, लोन है, कैपिटल है, डेटर्स रिसीवेबल देते हैं हमें पैसे, नाइस। अच्छा, अब देखा मेरा सिलसिला समझना, हम ये पैसे लेते हैं बेसिकली अपने इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर पैसा देने से पहले मुझे हमसे ये जरूर पूछेगा कि साईं पैसे तो मांग रहे हो, मुझे क्या दोगे? तो हम कहते हैं कि भाई पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन। तो एक हमारा इन्वेस्टर होता है हमारी कंपनी का शेयर होल्डर, अगर इन्वेस्टर बहैसियत एक शेयर होल्डर आपको पैसे देता है तो हम उसको दो आसरे करवाते हैं। पहला उसको आसरा करवाते हैं हम डिविडेंड्स का, और दूसरा हम उसको आसरा करवाते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन का। अच्छा, अब जब आप कह रहे हैं कि एक ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है, यानी अपना कैपिटल है, या शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं वो भी कैपिटल है, तो शेयर होल्डर कोई हमारे चचा का बेटा नहीं है जो कि आपको मोहब्बत में पैसे देता होगा कि यार भाई हिसाब नहीं रख ले। शेयर होल्डर पहला सवाल करेगा कि भाई मैं एक बिजनेस में अगर पैसे लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हम उसको कहते हैं कि देखो जब आपका बिजनेस चलेगा ना
वो हम इसको बड़े सुनहरी सपने दिखाते हैं कि हम मुर्गियां खरीदेंगे, मुर्गियां अंडे देंगी, उनके लाखों बच्चे निकलेंगे, हम उसका ऑमलेट बनाएंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। तो शेयर होल्डर को हम बड़े आसरे करवाते हैं कि ये होगा वो होगा, और जब पैसा आना शुरू होगा ना वो बस नोटों की तो बारिश होगी बारिश, तो वो हम डिविडेंड की सूरत में आपको देते जाएंगे, हम क्या करेंगे। या जब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो आज वो शेयर जो आप 40 रुपए का खरीद रहे हो ना, वो देखना कि 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए में भी अनमोल हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो आप जब बेचोगे ना तो बड़ा महंगा शेयर हो जाएगा, आपने वो चीज जो 40 रुपए में खरीदी थी आप उसको 80 रुपए का बेचोगे, 90 रुपए का बेचोगे, 150 रुपए का बेचोगे, बड़े पैसे कमाओगे। शेयर होल्डर कहता है अच्छा ऐसी बात है, लगाओ पैसे दे रहा हूं मैं। दूसरा, हम पैसे लेते हैं एज अ लोन, बॉन्ड्स इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं। ये इन्वेस्टर पूछता है कि भाई पैसे तो ले रहे हो, मुझे क्या दोगे? हम कहते हैं यार पैसे आप दोगे तो आपका हक है, हम उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे। इसी तरीके से तीसरा, हम पैसे लेते हैं प्रेफरेंस होल्डर से। प्रेफरेंस होल्डर कहता है कि भाई मैं तो पैसे दूं लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? हम उसको रिटर्न में क्या देते हैं? डिविडेंड। अच्छा, अब ये इन्वेस्टर्स हमें देते हैं पैसे, हमें मतलब हु आर यू, ये पैसे मिल रहे हैं एक कंपनी की मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट हम क्या कहते हैं कि ये मैनेजमेंट बेसिकली एजेंट है, ये वो लोग हैं जो पूरी कंपनी के डिसीशंस लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या आप मुझसे, मुझे कोई इस बात पे गाइड कर सकता है कि किसी भी बिजनेस का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बहुत जरूरी एरिया है। यस, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? बिजनेस का मकसद क्या है? व्हाई डज अ बिजनेस एग्जिस्ट? सर, शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना। यस, वेरी नाइस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज to maximize the wealth of shareholders। एक बात याद रहे कि प्रॉफिट कमाना मंजिल नहीं है, प्रॉफिट कमाना रास्ता है। रास्ते पे चलना हमारा मकसद नहीं है, मंजिल पे पहुंचना हमारा मकसद है। तो प्रॉफिट इज अ मीन, प्रॉफिट रास्ता है। हम बिजनेस के थ्रू ये चाहते हैं कि वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने हमें अपने कीमती पैसे दिए हैं, हम उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करें। अच्छा, अब होता क्या है कि जिनको भी हम रिटर्न देते हैं ना, वो रिटर्न हमेशा टाइम बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड से मेरा मकसद है कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, आप बैंक से पूछते हो कि मुझे अगर आप 1 करोड़ रुपए देते हो तो मुझे क्या देना पड़ेगा, बैंक आपको कहता है कि आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक के 15% कहने का मकसद क्या है? मैं अगर वो कर्जा ले रहा हूं 5 साल के लिए तो क्या 5 साल में सिर्फ 15% पे करूंगा? बैंक कहता है भाई होश के नाखून लो, क्या बात कर रहे हो, 15% किसके हैं, पर ईयर के हैं भाई, 1 साल के हैं। मैं कहता हूं अरे ये तो मरवा दिया। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान तलब बात है।
वो ये कि मैंने जिनसे भी पैसा लिया है वो दिनों दिनों के हिसाब से मुझसे उसका हिसाब मांगता है। शेयर होल्डर कहेगा कि यार तुमने 2 सालों में सिर्फ ये दिया, 3 सालों में सिर्फ ये दिया। बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं तो बैंक डेली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग या एनुअल कंपाउंडिंग मुझसे उन हर दिन का, हर महीने का, हर क्वार्टर का, हर साल का मुझसे रिटर्न लिया जाता है। अब मेरा भी फर्ज है कि मैंने जो इन्वेस्टर से पैसा लिया है मैं इनको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूं कि मुझे भी तो दिनों का हिसाब मिले ना। अब आप खुद देखें कि मैंने अपने पैसे फंसाए कहां पे है, करंट एसेट्स में। यानी अगर मैं ये पैसे इन्वेस्टर से लेके इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर देता हूं क्या है, मैं अगर 3 महीनों का स्टॉक खरीद दूं, मैं अगर 4 महीनों का स्टॉक खरीद दूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा? एनीवन, व्हाट इज बेनिफिट? मैं अगर 2 महीने की, 3 महीने की इन्वेंटरी खरीद के रख लेता हूं, मुझे फायदा क्या है? इन्वेंटरी रखने का दर हकीकत कोई भी फायदा नहीं है, मासिवाय इसके कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। मिसाल आप ये कह रहे हैं कि हम उसको ज्यादा पैसों पे बेचेंगे और जब सेल होगी तो हमें फायदा होगा। यस, वेरी नाइस। लेकिन कैसा हो कि मैं सिर्फ हफ्ते हफ्ते का सामान रखूं, 10-10 दिनों का सामान रखूं, 3 महीनों। मिसाल अगर मेरी डेली की सेल, एक रफ अंदाजा लगाते हैं, हमारे बिजनेस में हमारी डेली की सेल अगर 1,00,000 रुपए है और मैं अगर 3 महीनों का स्टॉक खरीद के रख लेता हूं, यानी मेरे 90,00,000 रुपए फंस जाएंगे इन्वेंटरी में, क्या मुझे दिनों का हिसाब मिलेगा? ये तो 3 महीनों का हिसाब है ना, 3 महीनों में आप इन्वेंटरी बेचेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्वेंटरी रखने का फायदा कोई नहीं है, सिर्फ एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है? कि बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेंटरी का होना जरूरी है। बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेंटरी का होना जरूरी है, नहीं तो ये 90,00,000 रुपए का अगर मैं सामान रख लेता हूं अपने पास, तो मैंने जिन लोगों से, जिस बैंक से, जिस बॉन्ड होल्डर से, जिस शेयर होल्डर से, जिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये 90,00,000 रुपए लिए हुए हैं, भाई जाहिर सी बात है मैनेजमेंट अपनी जेब से तो नहीं लाई ना पैसे, मैनेजर अपनी जेब से तो नहीं लगा रहा ना पैसे बिजनेस में, इन्वेस्टर से लिया है ना। इन्वेस्टर आपसे दिनों का हिसाब लेगा, इस 90 दिनों यानी 3 महीनों का आपसे बाकायदा रिटर्न लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा, डिविडेंड लिया जाएगा, रिटर्न मांगा जाएगा। और आपने इकबाल के शाहीनों की तरह पैसे कहां पे लगा दिए? इन्वेंटरी में लगा दिए। और इन्वेंटरी में 90 दिन के लिए पैसे फंसाने का आपको फायदा क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। अगर आप ये कहें कि हम खरीदने उसके बाद महंगी हो जाएगी, हम सस्ती खरीदेंगे महंगी बेचेंगे, तो सोचे आपकी, फिर तो नीचे भी जा सकती है। कोरोना में तो बड़ी हालतें हो गई कि बहुत सारे लोगों ने सस्ते में महंगी चीजें खरीदी थी इस इंटेंशन से कि महंगी बेचेंगे, चीजें मट्टी पलीत हो गई, बहुत कम हो गई, तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। दिनों का हिसाब आपको कौन दे रहा है? आपने जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो आपसे दिनों का हिसाब करेंगे,
और आपने जहां पैसे लगाए हैं वहां दिनों का कोई हिसाब किताब नहीं है। लिहाजा हमारे लिए डिसाइड ये करना है कि हम अपने पास कितनी इन्वेंट्री रखें और एक जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उस ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स हमें मंगवाने चाहिए, ये पूरी एरियाज हम कवर करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड है, ये पढ़ाया तो बहुत सी क्वालिफिकेशंस में जाता है, बीबीए एमबीए के अंदर भी इसको कवर किया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यानी आईकैप के अंदर इसको एग्जामिन किया जाएगा वो हमारे लेवल पे कोई भी मुश्किल ही पहुंच सके। तो बड़ा डेंजरस लेवल पे आता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप बड़े सुकून से ये मार्क्स पॉकेट कर जाएंगे। ठीक है, तो एक एरिया हम कवर करेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। तीसरा चैप्टर यानी तीसरा एरिया है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में हम बात जो अपनी कर चुके हैं कि फैक्ट्री को चलाने में जो फैक्ट्री के अंदर कॉस्ट्स आती हैं उसमें एक हमने रखी डायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और उसके साथ फिक्स्ड खर्चे जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी, इंश्योरेंस कॉस्ट है, हीट एंड लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस है, सुपरवाइजर की सैलरी है, डेप्रिसिएशन वगैरह, उन खर्चों को किस तरीके से डील किया जाएगा वो हम चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आती है लेबर कॉस्टिंग। लेबर में कल मैंने एक छोटा आपको टर्म बताया था, दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था आइडल टाइम और एक हमने पढ़ा था ओवर टाइम प्रीमियम। तो छोटी सी छोटा सा चैप्टर है ये, बिल्कुल बाद में एड किया गया है सिलेबस में, पहले ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता था। तो लेबर के एक जो डायरेक्ट कॉस्ट है बेसिक, उसका क्या करेंगे, और अगर हम लेबर से ओवर टाइम करवाते हैं तो ओवर टाइम की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम उनको पे करेंगे उनको क्या किया जाएगा, वो हमें इस लेबर कॉस्टिंग के अंदर देखा जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आइडल टाइम हम भी पढ़ चुके हैं कि आइडल टाइम का मकसद होता है कि लेबर फारिग बैठा हो, लेकिन फारिग बैठने के भी हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे जो लेबर को हम दे रहे हैं लेकिन काम लेबर ने कोई भी नहीं किया, तो लेबर ने अगर हमसे एक दिन के 10,000 रुपए लिए और बनाया एक यूनिट भी नहीं तो हम वो 10,000 रुपए किस यूनिट की कॉस्ट में डालेंगे, ये चीजें इसमें कवर होंगी। अच्छा, इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है लर्निंग कर्व, जो कि एग्जामिन होना शुरू हो गया है और 2 से 3 बार एग्जामिन हो भी गया है। अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होके आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लेबर कॉस्टिंग हम देखेंगे। चैप्टर 5 हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी हम इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। डाउट ये होगा कि चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में अलग अलग क्या चीजें होंगी। चैप्टर 3 में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं और चैप्टर 5 में हम प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनाएंगे यानी इनकम स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और दूसरा हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर हमें प्रूफ करना है कि क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, अगर आता है तो क्यों आता है, कितना आता है, वो सारी चीजें हम इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में कवर करेंगे। लिहाजा इस चैप्टर के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट्स बनाएंगे और रिकंसिलिएशन करेंगे बिटवीन द प्रॉफिट्स रिपोर्टेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। छठा चैप्टर डबल एंट्रीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डबल एंट्रीज यकीनन आप देख चुके हैं, मिलती जुलती है, कॉन्सेप्ट वही है कि एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट होगा, लाइबिलिटी कैपिटल या रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट होगा, सेम वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स थोड़े डीप जाएंगे। रॉ मटेरियल का खरीदना, रॉ मटेरियल का WIP में जाना, WIP का फिनिश गुड्स में जाना, डायरेक्ट लेबर का WIP में जाना वगैरह, इसमें बहरहाल हम डबल एंट्रीज कवर करेंगे। सातवां एरिया है जॉब कॉस्टिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग। आपको पता होगा कि एक कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बनाती है, मिसाल सैमसंग सेलफोन बनाता है,
या एक बेकरी है, बॉम्बे बेकरी है, वो अपना ही दो दो पाउंड का, एक एक पाउंड का केक बनाती है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, और उसमें हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दूसरी होती है, बास कंपनीज क्या करती है, कस्टमर से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, यानी वो टेलर मेड होती हैं या कस्टमाइज्ड होती हैं। तो हम अगर अपने केक का ऑर्डर देंगे कि केक में फॉन्डेंट ये होना चाहिए और ऐसा ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसे ऐसे कलर्स होने चाहिए, तो वो बेकरी अपनी मर्जी के मुताबिक केक नहीं बनाएगी, बल्कि कस्टमर के कहने पे केक बनाएगी। ऐसी कंपनीज फॉलो करती हैं जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, और ऐसी है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस यानी वो कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ना कि यूनिट्स बनाती हैं। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है और इसमें भी डबल एंट्रीज की कवरेज है, ये भी हम बड़े सुकून से देख लेंगे। आठवां चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, और बड़ा खतरनाक लेवल है प्रोसेस कॉस्टिंग का, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही कैश मार्क्स देने वाला टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स हैं। बड़ा मजे का है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इसको समझते चलोगे तो एग्जामिनर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर आप रट्टा मारोगे तो आप समझ सकते हैं, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि अगर CA के अंदर आपने कहीं भी किसी पेपर में रट्टा मारा तो एग्जामिनर हमारे साथ खेल सकता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बड़ा मजे वाला टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज बजटिंग। अगेन कैश मार्क्स वाला टॉपिक, बजटिंग। बजट में हमने क्या करना है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वही इनकम स्टेटमेंट जो आप एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में बना के आए। लेकिन एक होती है गुजरे हुए वक्त की, एक होती है आने वाले वक्त की। तो बजट्स हमने बनाने हैं, कैश बजट्स बनाने हैं, कैश फ्लो कौन से महीने में कितने पैसे मिलने हैं, कौन से महीने में कितने पैसे देने हैं हमारे पास, कौन से महीने के आखिर में पैसा सरप्लस में रहेगा, कब हमारे पास पैसा शॉर्ट पड़ जाएगा। और यहाँ पे एग्जामिनर प्योरली मैथ्स खेलता है, प्योरली मैथ्स खेलता है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें सीखने को बहुत कम मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस से जो हम टेक्निकलिटीज इसकी सीखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो बी वेरी केयरफुल कि बजटिंग हमारे लिए मैथमेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, और एग्जामिनर इसको भी रेगुलरली एग्जामिन करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं थोड़ी देर पहले वाजे कर चुका कि वो कंपनीज जो अपनी ही मर्जी से एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो बनाया जाता है उसकी कॉस्टिंग की जाती है कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, उसमें वेस्टेज कितनी होगी, लेबर कितने घंटे काम करेगा, लेबर को क्या रेट दिया जाएगा। बड़ा लॉजिकल एरिया है, ये हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 11 वेरियंस एनालिसिस है। वेरियंस बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर है। मिसाल मैं आप लोगों को एक टारगेट दूं और एक महीने के बाद या दो महीने के बाद मैं ये रिव्यू करूं कि आपने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक यूनिट के अंदर मटेरियल के 6 किलो लगने चाहिए और आपने बनाए हैं 10,000 यूनिट्स, अगर एक यूनिट में 6 किलो मटेरियल लगना चाहिए था तो 10,000 यूनिट्स में 60,000 kg मटेरियल लगना चाहिए था, ये लगना चाहिए था। मैं ये चेक करूंगा कि लगना कितना चाहिए था मटेरियल और लगाया कितना है। अगर आपने लगाया है बिल्फर्स 61,000 kg, तो मैं कहूंगा कि आपने मेरे 1,000 kg जाया किए, या अगर आपने यही काम 59,000 kg में कर लिया तो मैं कहूंगा यार कमाल है, बेहतरीन काम कर लिया, तुमने मेरे 1,000 kg सेव कर लिए। तो इसको हम कहते हैं वेरियंस। वेरियंस मतलब कि एक्चुअल और टारगेट के दरमियान का डिफरेंस देखना कि होना क्या चाहिए था और हुआ क्या है। इसमें भी मैथमेटिकली खेला जाता है। वेरियंस एनालिसिस को पास करने का एक तरीका होता है रट्टा मारना, जो कि काफी हद तक बेनिफिशियल है, और दूसरा काम है कॉन्सेप्चुअली चलना। हम दोनों फॉलो करेंगे। बाय द एंड ऑप्शन में आपको स्टूडेंट्स को दे दूंगा कि आप चाहें तो रट्टे के थ्रू वेरियंसेस को सॉल्व करें, चाहें तो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करें। यकीनन एज अ ट्यूटर मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप कॉन्सेप्चुअली चलें, बिकॉज एग्जामिनर आपको घुमाएगा इसमें, और घुमाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बैट स्ट्रॉन्ग पकड़ने आनी हो, और बॉल पर वो यॉर्कर गिरे, मिड पिच गिरे, ऑफ गिरे या लेग पे गिरे, बाउंसर आए, फुल टॉस हो, यू मस्ट बी एबल टू प्ले। ऐसा नहीं है कि यार तुम यॉर्कर क्यों मार रहे हो, तो आप बॉलर को कभी भी इस बात पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम यॉर्कर पे यॉर्कर मारे जा रहे हो, ये गलत बात है। वो बोलेगा भाई बैटिंग स्ट्रॉन्ग करो, मुझे कंप्लेन ना करो। एग्जामिनर इज डेफिनेटली अ बॉलर, वो ऐसी बॉलिंग डालेगा कि आप एज अ बैट्समैन कंप्लेन करने से बेहतर है कि आप अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। तो हम वेरियंसेस में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेंगे ताकि बॉल किसी भी डायरेक्शन में आए, हमें बाउंड्री मारनी है।
12वां चैप्टर टारगेट कॉस्टिंग है. सो फार कैफ 8 इज कंसर्न्ड, माय सिंपल रिमार्क इज कि दिस चैप्टर इज यूजलेस. कोई खास एरियाज इसमें कवर्ड नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है टारगेट कॉस्टिंग का, सिलेबस का पार्ट है, पढ़ेंगे हम जरूर क्योंकि हमारा कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले जाएगा और बहुत ज्यादा हमें दिमाग भी नहीं चलाना, बड़ा हल्का सा एरिया है तो टारगेट कॉस्टिंग हम देख लेंगे. रेलेवेंट कॉस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज डिसीशन मेकिंग. रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन कॉस्ट्स और उन रेवेन्यूज के बारे में सोचो जो आपके डिसीशन से असरअंदाज होती हो. वो इखराजात जो बहरहाल आने हैं, चाहे आप फैसला हां करो या ना करो, तो उनके ऊपर सोचना यूजलेस है. रेलेवेंट कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे. सीवीपी का मकसद है ब्रेक इवन. ब्रेक इवन से आप फेमिलर होंगे कुछ हद तक कि अ पॉइंट व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस. हम उस चीज पे पहुंचते हैं. तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, उसको हम कहते हैं सीवीपी या फिर ब्रेक इवन. अच्छा, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स भी रेलेवेंट कॉस्टिंग का ही पार्ट है कि बिल्फर्स हम एक ही मटेरियल को इस्तेमाल करके तीन या चार प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन मटेरियल शॉर्ट हो गया है. एक ही लेबर की मदद से हम तीन या चार प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन लेबर शॉर्ट हो गया है. तो हम उस शॉर्टेज को, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं स्कार्सिटी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शॉर्ट सप्लाई, कि कभी अगर आपका कोई रिसोर्स शॉर्ट हो जाता है, स्कार्स हो जाता है, तो उस चीज को किस तरीके से कवर किया जाएगा ये हम चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे. 16th चैप्टर बेसिकली आईकैप ने इसमें डाल दिया है. ये आईकैप के ऊपर बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म था जो कि बड़े अरसे से चलता आ रहा है कि कैफ पास किया हुआ बच्चा फॉर्म में तो जाता है और बड़ी कंपनीज की ऑडिट तो करता है और आपने इंडस्ट्री आर्टिकल भी खोल दी है, लेकिन कैफ के स्टूडेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से कोई भी चीजें पता नहीं होती. मिसाल डेरिवेटिव्स क्या है, फ्यूचर्स क्या है, फॉरवर्ड्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, सिंपल बॉन्ड क्या है, डीप डिस्काउंट क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली एक जायज तनकीद थी आईकैप के ऊपर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, कि आईकैप का बच्चा जो कैफ क्वालिफाई करता है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ भी पता नहीं होता. तो आईकैप ने एक पेपर का इजाफा करने के बजाय क्या किया था, सीएमए के अंदर ही, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही ये चैप्टर का सेक्शन डाल दिया है. लेकिन बच्चा यकीनन हर उस चीज को इम्पोर्टेंट समझता है जो पेपर में आती है. हिस्ट्री ये बता रही है कि ये टॉपिक अव्वल तो आता नहीं, अगर आया भी तो 5 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स के अंदर अंदर इसका एग्जाम क्वेश्चन बनता है. तो अक्सर स्टूडेंट्स इसकी टॉपिक स्पॉटिंग करते हैं और इस एरिया को छोड़ के जाते हैं यकीनन, क्योंकि स्टूडेंट को जब पता है कि मैं इसको हटा के भी काम चला सकता हूं तो एग्जामिनर स्टूडेंट मेहनत करने की कोशिश नहीं करता. अच्छा, अभी जो हमारी 21 की न्यू स्कीम आएगी उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आईकैप ने अलग से पूरा पेपर डाल दिया है, तो फिर वो चीज प्रॉपरली कवर हो सकेगी. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक आपकी नॉलेज डेवलप करने के लिए. एज अ ट्यूटर मेरा फर्ज रहेगा कि मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से सिखाऊं और मेरा बड़ा फेवरेट एरिया है ये, तो हम इस पे भी वर्क करेंगे. लेकिन इस टॉपिक पे हम बिल्कुल लास्ट में आएंगे, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम तब इस पे आ जाएंगे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये प्रोबेबली हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी पेपर में यानी बुक में बिल्कुल सेकंड लास्ट चैप्टर पे आ रहा है, लेकिन हमारा ये सेकंड या थर्ड एरिया बनेगा टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से आप वैसे तो फेमिलियर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR, के कभी भी कोई प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है तो हमारा एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि हम कमाना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट की NPV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ये सारी चीजें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देख रहे होते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चंस इसके हमारे पास मौजूद है और एग्जामिनर इस टॉपिक को अक्सर छोड़ता नहीं है, तो बड़ा फ्रीक्वेंट है. इसके बहुत से अटेम्प्ट्स में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा. आखिरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिल्कुल ही फजूल चैप्टर है, थ्योरिटिकल है, किसी काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर में से 4 से 5 मार्क्स एग्जामिन कर लेता है तो हम इसको एग्जाम में जाने से एक दिन पहले स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इसके पास्ट पेपर्स के आंसर्स पढ़ के जाओ. लॉजिकली मैं इसको समझा देता हूं, लेकिन इसका एक एक पैरा
रीड करना सुला देगा बच्चों को, ना ही बच्चे घर में पढ़ सकते हैं ना ही हम क्लास में पढ़ सकते हैं। तो उसके हम ट्रिक ये करते हैं कि जब हम एग्जाम के करीब पहुंचते हैं तो हम इसको सिर्फ देख के जाते हैं हल्का सा, बाकी एरिया हमने कवर कर लिया। अगर आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, बट क्योंकि हमारा अभी आप लोगों का नमाज का टाइम हो चुका है तो आई वुड पर्सनली बिलीव यू वी शुड टेक ऑफ। अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी पूछने हैं तो अभी पूछ सकते हैं, या नहीं भी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, फिर हम प्रॉपर इंशाल्लाह चौथे लेक्चर से कल से हम अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। फेनफ, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? कल की क्लास में मुलाकात होती है।